एक गुफा में चोरों का लीडर अपने सेवकों से, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाद हमारे गैंग के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत है, इसीलिए तुमको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। जो भी बाजू के जमीन पर से रेत लाएगा उसी को इस गैंग का लीडर बनाऊंगा रे। ऐसा बोलते ही सारे सेवक वहाँ से चले जाते हैं, पर एक ही वही खड़ा रहता है। वह सेवक तब भाई के पास जाकर, भाई आप मेरा एक छोटा मदद कर सकते हो क्या? क्या है रे वो? भाई वैसे भी आप बहुत टाइम से सैंड माफिया चालू करने वाले थे, आपने बहुत कोशिश की पर आपसे काम क्यों नहीं हो पाया? अच्छा सवाल पूछा है रे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राज, पुष्पराज। अरे वाह बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। सैंड माफिया करने का मेरी इच्छा कब से है, पर वहाँ बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट नाकाबंदी के कारण मैं सही से प्लान नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पाया। पुष्पराज को सब समझ जाता है, ठीक है भाई मैं कर लूँगा, ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। उस दिन पुष्पराज बॉर्डर के पास एक पेड़ के ऊपर देखने लगा, आते जाते वाहनों को एसआई को, कांस्टेबल को, पुलिस को और सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा। अगले दिन पुष्पराज उसके दोस्त को मिलकर मिनी ट्रक्स में रेत के डीलर के पास जाता है, वहां रेत को ट्रक में लोड करके बाहर आता है। पुष्पराज तब एसआई को फोन करके, सर मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, अगले एक घंटे में मिनी ट्रक्स में सोना स्मगल कर रहे हैं, मेटल डिटेक्टर्स का काम आया है। इन्फॉर्मेशन आते ही एसआई चेक पोस्ट में रेत के ट्रक को रोकता है। क्या रे, क्या है ट्रक में? रेत। कहानियां मत सुनाओ रे मुझे, इन्फॉर्मेशन आया है रेत के अंदर गोल्ड रखकर स्मगल कर रहे हो ना? ऐसे ही मिनी ट्रक्स में मेटल डिटेक्टर के द्वारा चेक करने लगे, पर कहीं भी गोल्ड नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है चले जाओ, ऐसा बोलकर भेज देता है। पुष्पराज उस मिनी ट्रक में सैंड लेकर आता है और लीडर को दिखाता है। लीडर पुष्पराज से खुश होकर उसे ही गैंग का लीडर बनाता है। अभी आदित्य और राग तीनों दोस्त थे, तीनों स्कूल में पढ़ रहे थे, तीनों बहुत चालाक थे और तीनों में दृढ़ता भी ज्यादा था। तीनों केवल पढ़ाई में ही नहीं हर चीज में फर्स्ट आने के लिए कोशिश करते रहते थे। एक बार स्कूल में ड्रिल मास्टर खेलने का प्रतियोगिता लगाया, स्कूल के सारे बच्चे उसमें हिस्सा लिए थे। लेकिन हर खेल में ये तीनों समांतर रूप में जीत गए। तब ड्रिल मास्टर उधर उन बच्चों से, आपको फाइनल में एक कठिन प्रतियोगिता रखने वाला हूँ, वो क्या है कि मिनी क्ले व्हीकल्स रेस। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले मिट्टी का गाड़ी में 3 किलोमीटर तक जाना चाहिए, कौन जीतेगा उसको इस साल हमारे स्कूल का मिस्टर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहकर इनाम दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले उनका क्ले व्हीकल्स वे खुद बनाना चाहिए। इसमें हिस्सा लेने वाले आपका हाथ उठाइए। तब अभी आदित्य और राग तुरंत हाथ उठाए, रमेश कहकर और एक बच्चा भी हाथ उठाया। वेरी गुड, प्रतियोगिता आने वाले इतवार को होगा, आप चारों तैयार हो जाइए। अब चारों बहुत दृढ़ता से नदी के किनारे पर जाकर
उधर मिट्टी से जिसका व्हीकल स्वेप बनाना शुरू किए। अभी ने कार तैयार किया, आदित्य ने ऑटो, राग ने मोटर बाइक और रमेश ने वैन तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन वे चारों उनका व्हीकल्स के साथ सड़क पर पहुंच गए। उधर ड्रिल मास्टर तैयार था। आप चारों आपका मिनी व्हीकल से लाइन में तैयार रहना, तीसरा किलोमीटर के पत्थर के पास हमारा हेडमास्टर खड़े हैं। मैं 1 2 3 कहता हूँ तभी तुमको स्टार्ट करना है, कहकर 1 2 3 कहकर सीटी बजाया। तब चारों का व्हीकल शुरू हुआ, चारों तेजी से जाने लगे। पहला किलोमीटर पार करने के बाद राग धीरे से उनका वाटर गन को निकालकर उनके आगे जा रहा आदित्य ऑटो का पीछे टायर में वाटर गन से पानी मारा। उससे उस क्ले ऑटो टायर धीरे से पिघल गई और ऑटो एक तरफ झुक गई और रुक गई। राग ऐसे और थोड़े आगे गया, थोड़े दूर में उसे रमेश का वैन दिखाई दिया। फिर से उसका वाटर गन को निकालकर वैन का पीछे का टायर में डाला, वो टायर भी पिघल गई और रमेश का वैन रुक गया। राग उनका बाइक का रफ्तार बढ़ा दिया और अभी कार का पीछे जाकर उनका पीछे टायर को निशाना लगाकर पानी डाला, लेकिन अभी का कार टायर नहीं पिघला। अभी का कार आगे जाकर तीसरी किलोमीटर का पत्थर के पास जाकर रुका। बाद में राग का बाइक आया। हेडमास्टर अभी का हाथ पकड़कर उठाकर अभी जीत गया है कहकर घोषणा किया। बाद में ड्रिल मास्टर आकर राग को गाल पर मार रहा था, तब राग गुस्सा होकर क्यों सर मुझे मार रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो? तुमने जो गंदा हरकत किया उसके लिए। राग ने क्या किया? रेस शुरू होने के बाद मैंने मेरा बाइक पर इनका पीछा किया था। राग ने रमेश का वैन को और आदित्य का ऑटो को वाटर गन से पानी मार के उनका टायर्स को पिघला कर उनको बीच में ही रोकने में मजबूर किया। अभी के कार के टायर पर भी पानी डाला था, लेकिन क्यों पता नहीं अभी का टायर नहीं पिघला। सर मैं अपना व्हीकल्स को क्ले में व्हाइट ग्लू मिला के बनाने की वजह से क्ले स्ट्रॉन्ग बनकर पिघला नहीं है सर, इसलिए राग का कोशिश फेल हुआ। प्रतियोगिता रहना अच्छा है, लेकिन वो तंदुरुस्त रहना चाहिए, मन में द्वेष नहीं रहना है। राग ने गलती किया, उसके लिए उसको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करते हुए 5,000 रुपयों का फाइन लगा रहा हूँ। तब राग शर्मिंदा होकर सर झुकाया